chemistry with Hiroshi Monica ma'am, who was very welcoming. She was always entertaining to her doubts and stuff. And like, बहुत पीसफुल समझाती थी. लाइक बाकी सारी फैकल्टी से बहुत अच्छे थे, बट शी वाज लाइक वेरी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग. आप क्या शेयर करना चाहेंगे? मेरा भी केमिस्ट्री टीचर ही है चंद्र प्रकाश सर. मैं मतलब केमिस्ट्री में उतना अच्छा था नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, बट 11 12th में उन्होंने मेरी प्रॉब्लम समझी एंड वो मेरा फेवरेट ही बना था. उसका मेरा बहुत इजी हो गया वो करना. इवन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कुछ कुछ बच्चे थोड़ा बिकॉज वो है बोरिंग करना पड़ता है, बट मैंने उसमें लॉजिक से ढूंढ लिए एंड ऑलमोस्ट सब नहीं ढूंढे होंगे, इससे बहुत इजीली बहुत स्मूथली कर लिया. एक्सेप्शन में क्या दिक्कत है? केमिस्ट्री तो एक्सेप्शन का एक्चुअली वो कोटा फैक्ट्री का होक्स टाइप लग रहा है मुझे. ऐसा एक्सेप्शन बहुत सारे है नहीं, बट होंगे भी तो मतलब आप जो रिविजन करना बहुत कीप रिवाइजिंग एंड सॉल्व करते रहो. देखिए जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो कभी कभी हमें लगता है शायद होगा या नहीं होगा, लेकिन टीचर्स आप ना सब आप सकते हैं. ऐसा लगता था हमें कि अब आगे क्या करें, मतलब समय से अटक जाते थे कि ये वाली चीज करनी चाहिए वो वाली, क्योंकि ऑनलाइन बहुत ज्यादा यूट्यूब पे गाइडेंस मिल जाती है फ्री की. तो ऐसे टाइम पे टीचर बहुत ज्यादा हमें सही तरीके से प्रैक्टिकल एडवाइस दिया करते थे कि ऐसे करो, और जब भी लगता था कि अब नहीं हो पाएगा तो टीचर्स बोलते थे कि नहीं ठीक है अभी किस चीज पे ध्यान दो, तो टीचर्स बहुत सपोर्ट करते थे. देखिए स्टडी करने में काफी ब्रेकडाउन भी होता है मेंटली और इमोशनली, तो उसके बारे में क्या शेयर करना चाहेंगे? किसी का आपका मेरे साथ हुआ था जब 11th में स्टार्ट किया था मैंने, तो अराउंड अगस्त सेप्टेम्बर का जो महीने थे उसमें आई हैड लॉस्ट ऑल होप फॉर माय प्रिपरेशन एंड मेरे को लगता था कि अब बस केवीपीवाई फिट से कर लूंगा कुछ बहुत तो हो जाएगा. बट माय मदर ओवर हेयर उनने मेरे को मतलब हर दिन टोका और मतलब हर दिन समझाया, इसकी वजह से लाइक आई वाज एबल टू गेट आउट ऑफ द स्लंप. और लाइक उसके बाद मम्मा ने मेरे को रमेश सर से बात करवाई थी एक दिन, एंड दैट वाज द डे जिस दिन अकॉर्डिंग टू मी माय जेई प्रिपरेशन रियली स्टार्टेड. देखिए सर आप क्या कहना चाहेंगे रमेश सर? देखिए बच्चों का क्या होता है कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बिकॉज कभी किसी टेस्ट में ज्यादा नंबर आ गए तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कभी कम नंबर आए तो डीमोटिवेट हो जाते हैं. तो एज अ टीचर आई बिलीव वी हैव टू कीप टॉकिंग टू स्टूडेंट्स, यू नो इंस्पायरिंग देम विद गुड रोल मॉडल्स ऑफ स्टूडेंट्स यू नो हु हैव डन इट इन द पास्ट. ऐसा कभी नहीं होता कि एग्जाम में नंबर खराब आ गए तो एग्जाम ही खराब हो गया, क्योंकि वो पेपर जब टफ होता है तो सबके लिए टफ होता है, उससे में संयम बना के रखना बहुत जरूरी होता है और एग्जाम के लास्ट क्वेश्चन तक मोटिवेशन बना के रखना जरूरी होता है. क्योंकि कभी का आपको पता है जेई दो पेपर्स होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू, कभी पेपर वन आसान आया पेपर टू टफ आ गया. तो बच्चों को हम यही गाइड करते हैं जब तक लास्ट मिनट तक आपका पेपर का टाइम होता है तब तक आपको मोटिवेशन अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ये बना के रखना चाहिए. उस तरह से हमने उनको काफी सारे टेस्ट रियल टाइम बेसिस पे करा के उनको काफी सारा कॉन्फिडेंस हमने भर दिया था उनके अंदर, सो दैट उनको एग्जाम वाले दिन ये तकलीफ ना आए. और एग्जाम आई एम वेरी श्योर जो एग्जाम आया था इस बार पेपर काफी अच्छे लेवल का था, बट बच्चों ने काफी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी थी तो हमारे में भी कॉन्फिडेंस था कि दे विल ऑल डू वेल विच दे हैव डन इट. देखिए सर एक ट्रस्ट के साथ बच्चे भी आते हैं, पेरेंट्स का भी एक सपोर्ट होता है क्योंकि वो आपके पास भेज रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आज इतने सारे सिलेक्टेड आपके यहाँ से? देखिए हम स्टार्टिंग डे वन ये बोलते हैं कि जेई के सक्सेस में 90% रोल बच्चों का होता है, 5% रोल पेरेंट्स का होता है, 5% रोल टीचर्स का होता है. पेरेंट्स और टीचर्स जो होते हैं ये कैटलिस्ट का काम करते हैं, गाइड का काम करते हैं, 90% पूरा एफर्ट बच्चों का ही होता है. सो आई नो आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल स्टूडेंट्स बिकॉज मैक्सिमम एफर्ट इज डन बाय द स्टूडेंट्स ओनली. वी कैन ओनली कीप टेलिंग अल्टीमेटली दे आर द वंस हु डू इट. थैंक यू सो मच. हेलो सर.